आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज के छिलकों की पकौड़ी। इसके लिए ये तरबूज का जो छिलका है इसको ग्रीन वाला हिस्सा छील के उसको कद्दूकस कर रखी हूँ और पानी निचोड़ रखी हूँ। एकदम इसको सूखा रखना है। हमें 2 कप प्याज चाहिए, पुदीना चाहिए 2 से 4 चम्मच, सूजी चाहिए, बेसन चाहिए और कुछ सूखे मसाले चाहिए हमें, सूखे पीसे मसाले चाहिए। 1 लाल मिर्च चाहिए साबुत, या आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और प्याज को बहुत बारीक नहीं काटना है, ऐसे ही मोटे मोटे लच्छे में काटना है इसको। कसूरी लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च। दो चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे। बेसन हमें 4 चम्मच चाहिए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर, नमक अभी नहीं डालना है इसमें क्योंकि प्याज पानी छोड़ेगा और हल्का फुल्का तरबूज भी छोड़ेगा थोड़ा बहुत पानी। अब हम इसको मैश करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब पैन में तेल गरम हो गया है। अब हम इसके पकौड़े तल लेंगे। आप जैसे भी साइज का तलना चाहें पकौड़ा वैसे आप तल सकते हो। ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और बहुत हेल्दी भी है। इसको मीडियम फ्लेम पे तलना है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये ब्राउन सा हो गया इसमें। ऐसे ही सारा पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रखा है, रेड रेड सा। ये बहुत कुरकुरा, ये हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पकौड़ा तैयार है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं।